किसी साल 50% घाटा हुआ तो ये तो कवर कहाँ से नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरा हमारे पास साधन नहीं है कमाने का, खेती पर ही निर्भर है। आत्महत्या एक हो या हजार हो, आत्महत्या होती है, उसको आंकड़ों में नहीं गिना जाता। एक आदमी की मौत हो या 100 आदमी की मौत हो, बहुत ही गलत है। पाँच हजार रुपये खाते में दे रहे पगार की, 5000 में क्या हो रहा है उसका, एक हेक्टर का क्या हो रहा है 5000 में, क्यों आत्महत्या नहीं करेंगे वो? किसानों के बहुत सारे मुद्दे हैं। एक तो शासन उनको मदद करती है ये दिखता है अपने को, लेकिन जो प्रॉपर मदद है वो नहीं करती। दूसरा ये जो बेल्ट है, ये बेल्ट अवर्षणग्रस्त है, कायम दुष्काल रहने वाला। और जो हमारा ये यवतमाल डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ सबसे हल्की ज़मीन और यहाँ का जो पिक पद्धत है वो कपास और सोयाबीन है, ये दोनों पिक पर निर्भर रहना पड़ता है। और ये पूरा कोरडवाऊ बेल्ट होने के कारण यहाँ कुछ ऐसा पिक पद्धति में बदल नहीं कर सकते, क्योंकि खेती के लिए पानी नहीं है और खेती भी उस लायक नहीं है। अगर किसी ने पिक पद्धति में बदल करने की कोशिश की तो भी उस पद्धति से उनके हाथ में कुछ पैसा बचता हुआ दिखता नहीं। इसकी वजह से यहाँ मार्केट की भी कमी है दूसरी पिक पद्धति बदलने पर, और ऐसे असंख्य मुद्दे हैं। इस वजह से किसानों में ज़्यादातर यहाँ यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा आत्महत्या होती हुए आपको नज़र आती है। अगर पिछले आंकड़े उठाए आपने तो यवतमाल ज़िले में 2001 से लेकर 10% यहाँ ओलित का क्षेत्र था, यानी हाँ, और आज 2022 चालू है, 2022 में 10 से बढ़कर 12% हुए। इस वजह से अगर आप ये आंकड़े पर नज़र डालेंगे तो आप यहाँ की परिस्थिति समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ कोरडवाऊ ही बेल्ट है, हाँ, इसमें कोई ज़्यादा ये नहीं। और यहाँ की जो विदर्भ, और विदर्भ में खास कर ये जो यवतमाल डिस्ट्रिक्ट है, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट की ज़मीन एक हल्की होने के कारण यहाँ बहुत से संस्थानों ने काम किया, उन्होंने अपना अपना रीजन रखा, लेकिन पिक पद्धति में बदल करने का कोई ऐसा ठोस ये सामने नहीं आया। इस वजह से जो किसानों को पारंपरिक खेती करनी पड़ रही है, सोयाबीन तुअर कपास, और उसमें अगर दूसरा पिक पद्धति अपन हाथ में भी लेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ जो लाइन की समस्या है, लाइट की समस्या है, तो वो 12 घंटे खेती के लिए मिलती है, और उसमें भी वो 4 दिन रात को देते हैं और 3 दिन दिन में देते हैं। आप बोलिएगा कि कुछ ऐसे जो पीक है जिसके पास पानी बहुत भरमसाट है, लेकिन वो लाइट की वजह से पीक पद्धति में बदल नहीं कर सकता, उसकी वजह से यहाँ पैसे बचते हुए नज़र नहीं आते। अगर आप पश्चिम महाराष्ट्र या अदर बेल्ट में जाएंगे तो उनके मुकाबले यहाँ वैसे कोई भी अमीर किसान कोई नहीं मिलेगा। यहाँ की जो लैंड है किसानों के पास, वो 2 एकड़ से 10 एकड़ 20 एकड़ तक है, लेकिन आज 20 एकड़ वाला भी किसान आप उनको बोलोगे कि ये वह अमीर है तो ऐसा कुछ भी नहीं। उसका कारण ऐसा है, यहाँ जितना बड़ा किसान, यहाँ मजदूरों की किल्लत है, हाँ, उसके बाद यहाँ जो उपज है वो उतनी होती नहीं है, और खर्चा हरदम बढ़ता जा रहा है। जब फसल निकली तब सोयाबीन का रेट था 4500 रुपये प्रति क्विंटल, और आज है 7500 रुपया प्रति क्विंटल। उसमें तफावत तकरीबन 3 से 4 हज़ार की है, लेकिन मुझको जब मेरी फसल घर में आई, क्योंकि किसानों के पास 6 महीने में या 4 महीने में एक बार फसल हाथ में आती है, और उस पर ही बेचकर जो एक साल का खर्चा गुजारा करना होता है, इसलिए एकदम फसल निकली तो हमको
घर चलाने के लिए या किसी का जो उधार लेन देन के लिए वो फसल बेचनी पड़ती है। अब जब एकदम से माल मार्केट में जाता है तब वो कम पैसे में कम दाम में बेच के उसका वो सब निपटाना पड़ता है। बाद में जो रेट बढ़ते हैं मार्केट में उसका जो लाभ है वो हम किसानों को मिल नहीं पाता। जिनके पास ओलित है यानी पानी है, पानी है, वो तकरीबन एक से दो पीक लेता है। उसमें ज़्यादातर पीक बदलाव कोई नहीं नज़र नहीं आएगा। कपास जो जून महीने में जो बुआई होती है कपास और सोयाबीन और तुअर की, उसके बाद जिसके पास पानी है ओलित का साधन है वो उसमें क्या लगाएंगा, चना और गेहूं। और उसके बाद अगर उसमें से थोड़ा एकाधे किसान में यानी पूरे गांव में अगर 200-300 किसान है तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 किसान या 6 किसान उनके पास पानी रहा तो वो मूँगफली हड़द और उसके बाद अदरक ऐसा जो कुछ और तरबूज अभी कुछ कुछ किसानों ने लगाना शुरू किया है तो वो पिक, लेकिन वो परसेंटेज बहुत कम है। देश में सबसे ज़्यादा आत्महत्या के नाम पर यवतमाल डिस्ट्रिक्ट का नाम आगे है। और उसमें मनमोहन सिंह जी जब पीएम थे तब आत्महत्या ग्रस्त जिला करके उन्होंने यहाँ हमारे यहाँ विजिट की थी और कुछ जोड़ धंधा करके जो गाय है ना जर्सी गाय या होस्टेन वगैरह उसका एक पैकेज दिया था। लेकिन ये पैकेज खूब कम गाँव में मिला। लेकिन यहाँ कैसा है जो जोड़ धंधे के नाम पर जो बोला जाता है वो भी इतना प्रभावी नहीं है, क्योंकि अभी जो डायरेक्ट दूध अपन उत्पादन करते हैं और बेचते हैं तो वो कम दाम में मिलते हैं। लेकिन जो पैकेट किंवा जो डेयरी है जो डेयरी प्रोडक्ट पैकेज में पैकिंग में जो आता है उसको ज़्यादा ये लोग ये देते हैं। इसकी वजह से किसानों से ठेठ कोई नहीं लेता और उसमें भी जो दिखावा करने वाली कंपनियां हैं उसमें क्या मिलावट होती है वो मालूम नहीं। लेकिन किसानों के जो ये उत्पादन उसको उतना भाव नहीं देते। हर किसान अगर थोड़ा उसके पास 50-60 हज़ार रुपये एक साल में बच गए तो वो यही प्रयत्न में रहता है कि हमारे यहाँ पानी की समस्या हो, समस्या मिट जाए, हमारी खेती ये ओलित की हो जाए और वो करके देखते हैं। लेकिन जो बोरवेल है वो बोरवेल ना 6 इंच का जो गड्ढा अपन खोदते हैं और उसमें मोटर डाल के निकालते हैं पानी निकालते हैं, उसमें भी पानी लगे ये कोई गारंटी नहीं रहती, क्योंकि ये ड्राई जोन में आने के वजह से और यहाँ हर साल सूखा गिरने के वजह से ये जो ज़मीन में पानी की समस्या है वो बहुत बड़ी है। इसकी वजह से उसमें भी कर्जबाजारी हो जाते और उसमें भी ये अनेक से कारण ऐसे है कि अगर कुछ करने भी जाए तो उसमें कर्जबाजारी होके वो फिर आत्महत्या करना पड़ता है और नहीं तो फिर वो एकदम नर्वस में चला जाता है उनको। यानी ऐसे ही किसान आपको ज़्यादा मिलेंगे जो बैंक का कर्जा है उसमें वो पूरी खेती होती नहीं। अच्छा, क्योंकि खर्चा ज़्यादा है ना खेती के लिए तो होती नहीं। इसकी वजह से बाहर से भी कर्जा उठाना पड़ता है और बाहर के लोगों के पास से कर्जा लेने के बाद उनके जो बैच के रेट है वो ज़्यादा है। और उसकी कारण तो अगर सरकार ने जैसा पश्चिम महाराष्ट्र के बेल्ट में जो गन्ने की खेती होती है अगर वहाँ के जो हेक्टर ही वहाँ कम से कम 2-2.5 लाख रुपए कर्जा दिया जाता है और लेकिन यहाँ 30-40 हज़ार रुपए दिया जाता है। दो कंट्री है अपने देश में, हाँ, इंडिया वाले लोग रहते हैं शहरों में और भारत वाले लोग रहते हैं ग्रामीण भागों में। इसकी वजह से अगर आप शहरों में जाएंगे यानी इंडिया में जाएंगे तो वहाँ की जो जीवन शैली है वो तुमको बहुत अलग सी मिलेंगी, हाँ, वो हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं। और भारत जो बोलते हैं यानी ग्रामीण भाग यहाँ अगर आएंगे तो यहाँ की जीवन शैली में बहुत बड़ा तफावत है। लेकिन आजकल टेलीविज़न मोबाइल ये हर किसी के पास है, इंडिया हो या भारत, और उनकी जीवन शैली आप देखते हो और हमारी जीवन शैली देखते हो तो उसमें थोड़ा मन में हिचकिचाहट होती है। और जो आजकल के छोटे बच्चे
ये टीवी देख के या ये देख के, तो वो कहेंगे कि पापा मेरे को मोबाइल होना, मेरे को साइकिल होना, मेरे को गाड़ी होना। इसमें जो है कुछ किसान वो जो खर्चा बढ़ रहा है खुद का, कैसा हर किसी के मन में तमन्ना होती है जीने की, और ऐसी जीने की नहीं मरमर के जिया जाए, वो तमन्ना होती है कि औरों की तरह जीने की। हाँ, जीने का तो हक सबको है। कोई किसान अगर बेटी का बेटी की शादी हो या कुछ घर बनाना हो तो 2-3 एकड़ खेती बेच देते हैं। अगर आप खेती बेचने में जो किसान सबसे आगे है लेकिन खरीदने में किसान नहीं है, ये जो व्यापारी है या नौकरी वाले लोग है या कोई उद्योगपति है, ये ग्रामीण भागों में जो ग्रामीण एरिया है यहाँ भी खेती ले चुके हैं। उनकी अगर ज़्यादातर जाएंगे रोड टच की जो ज़मीन है यानी कि रास्ते के सट के, वो ज़मीन उनकी ही मिलेगी। 2020-21 में जो ज़्यादातर सुसाइड हुए थे और अभी भी हो रहे, लेकिन सरकार ने एक चालाकी की है, उसको जो क्राइटेरिया है जो सुसाइड का वही बदल डाला। ओके, वो बदल ही डाला क्योंकि सरकार को आंकड़े छिपाने हैं, वो दिखाने नहीं है। क्या बदला है, कैसा है उसमें जो थकित काश्तकार है उसको समझो, वो 3 साल का थकित होना चाहिए, उसका जो एवरेज उत्पन्न है वो भी देखते हैं, और कुछ केसेस वो फेल कर दे। बाद में एक स्कीम लाई थी उन्होंने, गोपीनाथ मुंडे बीमा योजना, अगर तुम उसमें डालोगे तो हम तुमको 2 लाख देंगे। हाँ, आत्महत्या से निकालो और जो अपघात बीमा में डालो। अच्छा, अब उसको बाला साहब ठाकरे अपघात बीमा कर दिया शायद सरकार ने। अच्छा, तो अगर तुम आत्महत्या में डालोगे तो 1 लाख मिलेंगे और अपघात बीमा में डालोगे तो 2 लाख मिलेंगे। कोई भी अधिकारी गांव के लोगों को क्या सलाह देता कि अपघात बीमा में डालो, यानी ज्यादातर वो एंट्री हो रही है अपघात बीमा में। अच्छा, इसकी वजह से आत्महत्या के जो आंकड़े है वो कम हो गए। यहाँ तकरीबन विदर्भ में 3,000-3,500 की तकरीब आत्महत्या हुई है। अच्छा, और डिस्ट्रिक्ट में भी कम से कम 500 से ऊपर आत्महत्या हुई है यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में। और जो हमारा तहसील है, तहसील में भी 100 के ऊपर ही आत्महत्या हुई है। लेकिन सरकार ने क्या किया, जो आत्महत्या की केसेस अपन डिस्ट्रिक्ट का जो जिलाधिकारी होती है उनकी तरफ भेजते हैं, वहाँ से वो फेल होके आती है। आंध्रा में अगर तुम जाएंगे, ट्रैक्टर लेना है किसानों को तो 90% सब्सिडी पर मिलता है, 50% सब्सिडी। यहाँ कोई सब्सिडी नहीं, यहाँ क्या करते हैं 1 लाख, उसमें भी जो ये है ट्रैक्टर डीलर वो उतना ज़्यादा भाव भी बढ़ा देते उसका। अच्छा, बराबर। हाँ, वो 1 लाख सब्सिडी नाम पर ही है, वो अपने खाते में जमा हो रही। अच्छा, लेकिन वो 7 लाख का ट्रैक्टर 8 लाख में लेना पड़ रहा। हाँ, उसके वजह पॉली हाउस है, ड्रिप है। अगर यहाँ ड्रिप पॉली हाउस लगाने जाएंगे तो पहले लगाना पड़ता और 6-6 महीने सब्सिडी के पैसे नहीं मिलते। सब्सिडी भी कितनी है, 25%, 20%, 50%, 40%। क्या लागत आ रहा है? लागत तो बहुत है उसमें। जैसे अगर आप यहाँ घूमेंगे हमारे तहसील में, हाँ, तो तुमको पाली हाउस और सेडनेट, हाँ, तकरीबन पूरे तहसील में यानी यहाँ 101 गांव है, 101 गांव में 1 या 2 मिलेंगे। वो आयपत ही नहीं उनकी लगाने की उसको, क्योंकि उसको 5-10 लाख रुपए खर्चा आता। पॉली हाउस को बोले तो 25 लाख रुपए खर्चा आता। हाँ, सब्सिडी 25% या 50% मिलती। हाँ, और वो मिलती 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद। हाँ, तो उतनी लागत लगाने की आयपत नहीं। आप पूरा तालुक का घूम जाओ हमारा। हाँ, 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 वहाँ तुमको 1 या 2 ही मिलेंगे, मिलेंगे भी नहीं। हाँ, क्योंकि आत्महत्या करने के बाद जो घर का जो मेन कमाने वाला पुरुष चला जाए तो पूरी जिम्मेदारी वो महिला पर आ जाती है। बच्चे किसी के छोटे छोटे होते हैं, किसी के बड़े होते हैं, तो बड़े बच्चे वाले तो बराबर संभाल लेंगे, लेकिन जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं उनके तो बहुत सारे प्रश्न हैं। इंसान खुद जिंदा रहा तो सब काम कर लेता है, यानी पेरनी हो, डवरनी हो, उसके बाद फवारनी हो, और माल निकालने वक्त सब बराबर हो जाता है। उनको तो हरदम मजदूर के भरोसे ही करना पड़ता, मजदूरी भी ज़्यादा, कई वक्त मिलती भी नहीं। ये ऐसे बहुत सारे इश्यूज है जो उनके सामने आ जाते हैं, और ऐसे इश्यूज में सरकार ने ध्यान देना जरूरी है। यहाँ जो पूर्व CM 2 रहे हैं, एक स्वर्गीय वसंतराव नाईक साहब और स्वर्गीय सुधाकर राव नाईक साहब,
इस यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में पुसद से वो बिलोंग करते थे। अगर वसंतराव नाईक साहब को आप देखेंगे तो उन्होंने हरित क्रांति को क्रांति के जनक बोलते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन। उन्होंने जो हरित क्रांति इस देश में लाई, यानी जो पहले पारंपरिक जो बीज होते थे उसको तोड़ के उन्होंने विदेशों में ऐसे बीज लाके इन लोगों को जो सपोर्ट किया और जो उनके उपज में क्रांति लाई, इनके बहुत सारे उपकार है इस देश के ऊपर। और उनके जो रीजन था वो यानी दूरदृष्टि का था किसानों के लिए, और आज के नेताओं का रीजन जो है वो स्वदृष्टि का है।